ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किया है ताकि ईरान की घेराबंदी कर उस पर दबाव बनाया जा सके। मगर जैसे ही दक्षिण चीन सागर से यूएस नेवी के लड़ाके निकले, फौरन चीन ने अपने समुद्री योद्धाओं को फिलिपिन सी की तरफ रवाना कर दिया जो कि पैसिफिक रीजन में पड़ता है। आखिर क्या ड्रैगन का प्लान है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते इस जल योद्धा को देखिए जिसकी दस्तक ने पैसिफिक रीजन में सनसनी मचा दी है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के होश फाख्ता कर दिए हैं। वैसे तो दक्षिण चीन सागर में जंगी तनाव चरम पर है। ताइवान क्राइसिस को लेकर किसी भी वक्त अमेरिका और चीन में आर पार की जंग छिड़ सकती है। मगर इसी बीच वेस्ट पैसिफिक सी में ड्रैगन के जंगी बेड़ों की एंट्री ने खलबली मचा दी है। दरअसल जापान के रक्षा विभाग ने दावा किया है कि चीनी नौसेना का शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस सागर में मौजूद है। शेडोंग के साथ दो डिस्ट्रॉयर भी फिलीपींस सी में गश्त लगा रहे हैं। चीन का टाइप 054A फ्रिगेट भी शेडोंग के काफिले में मौजूद है। आमतौर पर साउथ चाइना सी में ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 2400 घंटे गश्त लगाते हैं, मगर ये पहला मौका है जब वेस्ट पैसिफिक रीजन में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर तीन जंगी बेड़ों के साथ दिखाई दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ताइवान की घेराबंदी के लिए चीन ने अपने समुद्री लड़ाकों को फिलीपींस सी में भेजा या फिर साउथ चाइना सी में अमेरिका की दखलंदाजी के बाद ड्रैगन ने यह बड़ा दांव चला। तो आपको बता दें कि अरब में जंग की आहट को देखते हुए अमेरिका ने अपने युद्ध पोतों को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करने का ऐलान किया, लिहाजा इसी का फायदा उठाने के लिए चीन ने शेडोंग के साथ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट को फिलीपींस सी में दाखिल करवा दिया। आपको बता दें कि शेडोंग चीन का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इतना ही नहीं, शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर है। ड्रैगन का यह समुद्री जंगबाज करीब 78 मीटर चौड़ा है। फोजियान का कुल वजन करीब 70,000 टन से ज्यादा है। चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। मतलब ये कि शेडोंग की फिलीपींस सी में दस्तक सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस दांव के जरिए जिनपिंग ताइवान की घेराबंदी कर उस पर हमला भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।